बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तो आज हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ होती हैं उनकी मोशन को डिस्कस करना है हमने। तो पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ कहते किन को हैं। तो कोई भी जो बॉडीज़ हैं जो फॉल कर रही हों अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही हो उन पर और वो ग्रेविटी की फोर्स हो, तो ऐसी बॉडीज़ को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अब क्या डिफरेंस है कि अगर आप छत पे खड़े हुए हैं घर पे और अगर आप एक बॉल को सिंपली अपने हाथ से छोड़ देते हैं तो उसकी जो मोशन है वो फ्रीली फॉलिंग होगी, और अगर आप उसको ऊपर से थ्रो करते हैं, नीचे कोई बच्चा खड़ा है आप उसको मारते हैं या वैसे ही आप उसको थ्रो करते हैं अगर फोर्स लगा के, तो उसकी जो मोशन है क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगा दी है, एक्सटर्नल फोर्स आ गई उस पर, ग्रेविटी के अलावा कोई अदर फोर्स लग रही है, तो उसकी मोशन फ्रीली फॉलिंग नहीं है। तो फ्रीली फॉलिंग ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिन पर ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। अच्छा, टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स थी लास्ट में, वो हम देख लेते हैं। जी, यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल 2.12, ए बाईसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। गिवन डेटा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो गिवन डेटा। आप उसमें से डेटा कैसे बनाना है कि क्या चीज़ें गिवन हैं, क्या फाइंड करना है, पहला काम ये होता है। और आप डेटा लिखते हैं अगर पेपर में तो एक नंबर आपको सिर्फ डेटा लिखने का मिलता है बोर्ड के पेपर में, तो अब सही डाटा लिखने का। बाईसाइकिल एक्सेलरेट्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड गिवन है और टाइम गिवन है 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस एस की वैल्यू आपने फाइंड करनी। तो ये डाटा देखें, वी आई गिवन है 4, टाइम गिवन है 10 सेकंड, एक्सेलरेशन गिवन है 1, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जब हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करते हैं ना बच्चों, तो डाटा लिखने के बाद अब अगली समस्या ये होती है के इक्वेशन कौन सी लगानी है। 3 इक्वेशन हैं हमारे पास, अब ये नहीं पता चल रहा होता कि इक्वेशन लगाएं कौन से, तो उसका क्या हल है। तो उसके लिए देखें, आपने जो डाटा है उसमें वैल्यूज़ देखें, पैरामीटर्स कौन कौन से गिवन है, कि एस की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहली बात ये कि वो इक्वेशन लगाएंगे जिसमें एस आएगा। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो उसमें एस का जिक्र ही नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन को तो कैंसिल कर दें, वो तो यूज़ ही नहीं हो सकती ना। अब बाकी रहेगी 2, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो थर्ड इक्वेशन में वी एफ भी होता है और वी आई और 2 AS, एक्सेलरेशन तो गिवन है, वी आई गिवन है, ना तो वी एफ गिवन है ना एस गिवन है। अब 2 पैरामीटर्स अननोन है तो उन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर हम लगाएँ तो थर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते, बाकी बचती है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो सेकंड इक्वेशन जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस गिवन है, वी आई गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी रीच्ड 15 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी गिवन है उसकी। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टू ट्रेवल डिस्टेंस, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है जिसके दौरान ये डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। तो देखें, गिवन डाटा लिखें, इनिशियल वेलोसिटी वी आई गिवन है, एस गिवन है, वी एफ गिवन है, एक्सेलरेशन और टाइम कैलकुलेट करने हैं। अब देखें, जब ये हमने डाटा लिख लिया, अब इसमें देखें कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो इक्वेशन के लिए चलें हम देखते हैं, तब इक्वेशन अगर हम लगाने इसमें चाहते हैं तो टाइम की अगर हम बात करें, टाइम को फर्स्ट एंड सेकंड से निकाला जा सकता है और एक्सेलरेशन को सेकंड और थर्ड से। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो देखें, अगर हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी एफ गिवन है, वी आई गिवन है, एस भी गिवन है, सिर्फ एक्सेलरेशन अननोन है, एक पैरामीटर अननोन है, तो हम इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके
टाइम की वैल्यू निकालेंगे। देखें अब कैसे करेंगे। थर्ड इक्वेशन यूज़ की, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस वे स्केयर, ए अननोन है, बाकी सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ गिवन है, वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और अब आपने टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा देने, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टाइम की। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। जी अभी इसमें ना, ग्लेलो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेस। ग्लेलो पहला साइंटिस्ट था। अब ये एक ना यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि ग्रेविटी का जो आइडिया था वो सबसे पहले न्यूटन ने दिया था, जब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक वो बैठा था किसी दरख्त के नीचे और एक एप्पल जो गिरता है दरख्त से, तो ग्रेविटी का आइडिया वहाँ से क्रिएट हुआ था और न्यूटन ने हमें आइडिया दिया था ग्रेविटी का। लेकिन जो ग्लेलियो साइंटिस्ट था, ग्लेलियो ने हमें आइडिया दिया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ग्लेलियो ने हमें ग्रेविटी का आइडिया नहीं दिया, बल्कि उसने बताया कि जो ग्रेविटी है, जो बॉडीज़ फॉल हो रही हैं ज़मीन की तरफ, वो एक सेम एक्सेलरेशन से फॉल हो रही हैं, और वो जो एक्सेलरेशन है वो मास इंडिपेंडेंट है, वो बॉडी के मास पे नहीं डिपेंड करता। बॉडी का मास कितना भी हो, उसका एक्सेलरेशन सेम होता है। ये बात याद रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट है मास के। और ये आइडिया किसने दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का? ग्लेलियो साइंटिस्ट ने। अच्छा, ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स, उसने अपने लर्निंग टावर ऑफ पीसा से एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को उसने गिराया, ठीक है, वो बैठा, वो फिर उसने नोट किया कि ये सारे मैसेज, सब मैसेज जो थे ना, वो सेम टाइम में ज़मीन पर पहुंच रहे थे, चाहे उनका मैस किसी का ज़्यादा था किसी का कम था, लेकिन ज़मीन पर वो सेम टाइम में पहुँचते थे। तो उसने कहा कि ये जो अब इनका फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन है ना, उसने उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम दिया। अच्छा, इसमें अगर हम देखें ना कि ये सेम, अगर अब आप एक कॉपी के पेज को अगर आप फॉल करें, और अगर एक आप किसी मैस को, ठीक है, सॉलिड मैस को आप फॉल कर थ्रो करते हैं, सेम टाइम में नहीं पहुंचते वो, उसकी वजह होती है एयर फ्रिक्शन। तो ये अगर हम ये जो ये ग्लेलियो ने बात की है ना कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो को थ्रो किया तो वो सेम टाइम में ज़मीन पर पहुँचते थे, ये तब है अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट अब डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय जी। ऑन द सर्फिस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अप। जी बच्चों, अब इसमें है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। जी से डिनोट करते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू इसकी होती है 10, ठीक है, और ये हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू वेरी किस तरह होती है। सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 लेते हैं, फिर जिस तरह हम सरफेस ऑफ अर्थ से मूव करते हैं, ठीक है, अगर हम अवे जाते हैं तो ये वैल्यू कम होती जाती है, अगर टुवर्ड सेंटर मूव करते हैं, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ मूव करते हैं, तो ये जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ये जो जी की वेरिएशन है ये चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर याद रखनी है। और नेक्स्ट ये कि जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही हो, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है, की डायरेक्शन होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो चीज़ें फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, फील्ड की डायरेक्शन में हैं, वो पॉजिटिव लेंगे हम उनको। अब देखें, अगर कोई बॉडी टुवर्ड्स अर्थ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो वो फील्ड की डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे उस कंडीशन में, स्मॉल जी की वैल्यू। लेकिन अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, मींस वो सेंटर ऑफ अर्थ से अवे मूव कर रही है, तो उसके लिए जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। अच्छा, इसमें हम जब किसी बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो जब हम जिस टाइम बॉल को हम थ्रो करते हैं ना, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है बॉल की। थ्रो हमने जस्ट थ्रो किया होता है हाथ से, जब बॉल बिल्कुल निकलता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड डिक्रीज़ होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल स्टॉप होता है, उसकी ज़ीरो हो जाती है इसकी स्पीड, फिर वो डाउनवर्ड अपनी मोशन स्टार्ट करता है, फिर वो बिल्कुल ज़ीरो से उसकी मोशन इंक्रीज़ होती जाती है, इंक्रीज़, अब ऊपर जाते हुए मोशन स्पीड डिक्रीज़ होती है, नीचे आते हुए स्पीड इंक्रीज़ होती है। और ये एक आप याद रखिएगा, जिस स्पीड से हम किसी चीज़ को अपवर्ड थ्रो करते हैं, सेम स्पीड के साथ बॉल वापस आके हिट करता है।
जितनी स्पीड से अपवर्ड थ्रो करेंगे उतनी स्पीड से बॉल वापस हमारे हाथ में आएगा। अगर हम बॉल की एग्जांपल लें तो जितनी स्पीड से हमने उसको फेंका है जब हम वापस उसको कैच करेंगे तो वो सेम स्पीड से हमारे पास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।